कि भाई शादी के बाद बदल क्यों गया है भाई, वीडियो में क्यों नहीं आ रहा है भाई, को कोई नाराजगी है क्या भाई, गुस्सा तो नहीं हो गया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई आप लोगों में जो आप दोनों जो है आप साथ वीडियो में नजर नहीं आते हैं? तो चलिए भाई बगल में ही बैठा है उससे ही पूछ लेते हैं आखिर क्या बात है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में जी। सुबह सुबह आ गए हैं वॉक करने के लिए और आज देख रहे हैं सूर्य देवता तो नजर नहीं आ रहे, साथ भी इधर धुंध है, देख सकते हैं कितना सारा धुंध है इधर। तो मौसम जी गजब ही करवट ले लिया है आज, और ऐसे ही मौसम में लोग बीमार पड़ते हैं, जुकाम लगता है, बुखार लगता है। बिल्कुल जी, तो यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, वैसे मौसम तो सुहावना है जी, पिछले कुछ दिनों से गर्मी से राहत मिल रही है, लगता है एक हफ्ते से जो है मौसम थोड़ा सही किया हुआ है। A few moments later. हमने जी कर लिया वॉक और सूर्य देवता जो है अभी तक नजर नहीं आए हैं, 6:30 बजने वाले हैं, तो अब हम लोग चलते हैं। अब कितना देर वेट करेंगे, जब आएंगे तो फिर से एक बार आ जाएंगे छत पर, कोई बात नहीं, तो जा करके अपने काम पर लगते हैं। बिल्कुल जी, हमारा लग चुका है। और पति देव यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जी बिस्किट निकाल रहे हैं, एक स्टॉक तो खत्म हो चुका है, देख सकते हैं डब्बा जो है बिल्कुल खाली हो गया है, अब इसको भरा जाए। ये सुबह सुबह चाय कभी नहीं पीते थे लेकिन आजकल पी रहे हैं। बिल्कुल जी, लेकिन कंडीशन है ये बिस्किट तो नाश्ता हो जाता है, तो चाय कम नाश्ता ज्यादा होता है। जिया का यहाँ पर हो गया है काटा हुआ अनार, और अनार काटते समय जिया के हाथ में जो है क्या होता है, एक बार दिखाना जरा नजदीक में। पूरा ये से फट जाता है, सही बोला ना, देखते हैं हाथ से ही काटते हैं, जैसे कि एक बार चाकू चला दिए चारों को, हाथ से ही पूरा छीलते हैं। अच्छा जी, तो आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसका कुछ सॉल्यूशन हो तो बताइए, क्योंकि हाथ में जो इस तरह से हो जाता है आखिर क्या है इसका निदान? अच्छा दर्द भी करता है वो, हम कहते हैं कि हम छील देंगे लेकिन जी हमें छीलने भी नहीं देती क्योंकि मैं काफी लेट से काटता हूँ, और दूसरा पूरा टाइल्स पे फिर फैला देते हो। अजिया जो है काफी जल्दी जल्दी छील लेती है ना, एक निंजा टेक्निक है जिया के पास। हमारा फेस देख रहे हैं आप, थोड़ा सा फेयर लगने लग गया है। जब से प्रेगनेंसी का पीरियड आया था जिया का फेस जो है काफी डल लग रहा था, आप में से कई लोग भी इस बात को नोटिस कर रहे होंगे। अब देख रहे हैं कि इसके फेस पर जो है थोड़ा ग्लो भी आते जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्या? बिल्कुल सही बात है, तो राज क्या है इस बात का? इसका राज है कि हम अभी कुछ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है उसको यूज करके। तो अगर आप लोग भी नोटिस कर रहे हैं और आप लोग भी जानना चाहते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि हम यूज कर रहे हैं इटरनल आयुर्वेदा का लेमन हनी फेस वॉश और स्किन लाइटनिंग ऑयल, ये दोनों हम यूज कर रहे हैं जिससे हमें बहुत ही फायदा हुआ है। अब ऐसा करो कि इसको यूज कैसे करना है अभी बता दो लोगों को। हाँ बता देती हूँ, अब मैं बताती हूँ इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी स्किन लाइटनिंग ऑयल जो कि आपके फेस के पोर्स तक जाता है और आपके स्किन को ब्राइट करता है। सबसे पहले आपको नॉर्मल वाटर से अपना फेस धो लेना है, उसके बाद 5-6 ड्रॉप अपने हाथों पे लेकर के अपने हाथों की मदद से अपने फेस पे लगाना है सर्कुलर मोशन में, उसके बाद 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना। फिर जी हमें फेस वॉश कर लेना है, और फेस वॉश करना है इटरनल आयुर्वेदा लेमन एंड हनी फेस वॉश से। अगर आप ये दोनों ही कॉम्बो में यूज करते हो तो आपको बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जिसे यूज करना है नॉर्मली इसे पंप करना है, इससे फोम निकलेगा, और सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे लगाना है, नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। और जी ऑयल में है टर्मरिक एंड एलोवेरा, और फेस वॉश में है लेमन एंड हनी, ये दोनों चीजें आप यूज करते हो तो आपका फेस हमेशा मॉइस्चराइज रहता है। टर्मरिक आपके स्किन को ब्राइट करता है, और लेमन आपके स्किन को क्लीन करता है, और हनी आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। तो ये तीनों चीजें हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है। और जी यहाँ जो प्रोडक्ट है यहाँ आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी के साथ मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं इससे भी बेस्ट और अफोर्डेबल प्राइस में इसको खरीदना तो इसका प्रोडक्ट जी अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं जी एक बेस्ट रिजल्ट अपने स्किन के लिए तो आपको तो यह प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज करना चाहिए। तो इन प्रोडक्ट का लिंक मैं डाल दूंगा जी डिस्क्रिप्शन में, और डाल दूंगा पिन कमेंट, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर बन रहा है जी कड़ी, अच्छा खासा दही हो गया था घर में, तो दही का इस्तेमाल करना था। कल संदीप घर से भी आया है, संदीप घर से भी आया हुआ है, छोटा वाला संदीप घर से, हम मेरा बेटा को दही वड़ा तो बहुत पसंद है, तुम्हारे चलते दही वड़ा बना। हां तो ये मेरी संदीप सुन ली वहां, अच्छा हम फोन पर बात कर रहे थे, तो फिर कल समदिन दही बारा भेजी है अररिया से, दही भी भेजी है, तो पुराना वाला आज खर्च कर रहे हैं फिर नया वाला शुरू करे। वाह, इस बात की है समदिन मेरे पसंद का ख्याल रखती है, दोनों समधियाना में मेरा ख्याल रखा जाता है। बड़ी वाली जो है देखिए कि आजकल कितना फैशन है चमक दमक वाला साड़ी, लेकिन देख ली कि कॉटन पहनती है, तो मेरे लिए पर्सनली वो अपने से कॉटन साड़ी खरीद के भेजती है। तो जिया का हो गया है जी नहाया हुआ, और अब जिया जो है कर रही है लड्डू गोपाल की पूजा,
इसको जल्दी से जी अपना करेगी पूजा, इसको लेकर के जाना है लैब। इसका लग रहा है कि शायद बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, तो जा करके एक बार जांच करवा लेते हैं। घर में बीपी का मशीन है लेकिन वह काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, क्योंकि आप उसको ठीक ही नहीं करते। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे बताओ? उसका बैटरी खत्म हो गया। बैटरी खत्म हो गया, तुमको पता है बैटरी खत्म है? हाँ। अच्छा, तो ऑन कैसे हो रहा है फिर? वो ऐसे गलत सलत दिखा रहा है। चलो बैटरी चेंज करके भी देख लेते हैं। फिलहाल आज जो है तुम्हारा बीपी जांच करवा देते हैं और हम भी जा करके नहा लेते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। तो जल्दी जाइए, सुबह से ही बोल रहे हैं अभी। आए हुए हैं मार्केट, जिया का आए थे मेडिसिन लेने के लिए, साथ में यहाँ पर ले रहे हैं नारियल पानी। तो जिया का मेडिसिन जो है हमें मिल नहीं रहा था, देखा होगा पिछले ब्लॉग में। यहाँ चले गए क्लिनिक, तो वहीं से जा करके ले लिया उसका सैसे। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ले लेते हैं नारियल पानी। खाली है? हाँ खाली है। उसके जी घर सारा सामान ले लिया है, फल सब है और दवाई है। ये सर आ गया, ये मिल गया इधर। मेरा से नहीं, वहाँ पर बिता क्लिनिक से। क्लिनिक गए? हाँ हाँ, इसीलिए लेट लग गया ना आने में। जल्दी से तरबूज काटो, हमको तरबूज खाना है। तो शाम हो गया, कितना शाम है? 4 ही बजा है, खा सकती है अभी। यहाँ पे पति देव काट रहे हैं, बोले बीच से हम काट देते हैं, उसके बाद तुम काट लेना। अच्छा ऐसी बात है क्या? कोई बात नहीं, अब हम पूरा काट देंगे। नहीं हम काटेंगे। क्यों काटने में मजा आता है? हाँ। इसमें किस चीज का मजा है? बस मजा आता है। कोई ना, अब हम बैठ गए तो हिलेंगे नहीं यहाँ से। चाकू है छोटा। अच्छा। तरबूज है बड़ा, लेकिन ऐसे ही मैनेज होता है। अब पिच कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं, सबको बराबर साइज में कर देंगे। ये देखो कितना शानदार काटा है हमने। है ना? ये देखो शानदार। तो इसको काट लिया है जी, जाते हैं नीचे। नीचे है मम्मी भाई और ये, तो वो सभी भी इसको खा लेंगे, तो चलते हैं नीचे। हाँ दीदी चलो। भाई यहाँ खा रहा है तरबूज और भाई को आज साथ बैठाए लिया है। आप लोग का देख रहा था, लगातार कमेंट आए जा रहे हैं। मैंने तो सोचा कि इग्नोर कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं जी, लेकिन लगभग मैं देख रहा हूँ महीने भर से यहाँ कमेंट आ रहे हैं, तो सोचा कि नहीं अब इसके ऊपर बात करना होगा, इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। तो कुछ कमेंट आ रहे थे आप में से, बहुत लोगों का देख रहा था कि भाई शादी के बाद बदल क्यों गया है, भाई वीडियो में क्यों नहीं आ रहा है, भाई को कोई नाराजगी है क्या, भाई गुस्सा तो नहीं हो गया, आखिर ऐसी क्या बात होगी आप लोगों में जो आप दोनों जो है अब साथ वीडियो में नजर नहीं आते हैं। तो चलिए भाई बगल में ही बैठा है उससे ही पूछ लेते हैं आखिर क्या बात। पहले तो हम आते थे, हमेशा आते थे वीडियो में। तुमको पढ़ना लिखना रहता है, मेरा 7 से 8 क्लास रहता है दिन भर में, और अभी 7 बजे से रात के 8 बजे तक। हाँ ऐसा मेरा टाइम टेबल, इस तरह कैसा रूटीन है? और ऋतु का भी वही टाइम टेबल है लगभग, क्योंकि अन अकेडमी पे कैसे क्लासेस चलती हैं उसमें से बहुत सारे दर्शकों को पता होगा, वो बहुत सारे हो सकते स्टूडेंट भी हो उसके। हाँ, और उस समय में जो है मतलब यूपी जुडिशियरी अलग अलग जुडिशियल स्टेट मतलब जो है एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं। और कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, दो भाई लड़ने लग गए, ये हो गया वो हो गया, बदल गया। तो उम्मीद करता हूँ जी जिनके भी मन में इस तरह का कुछ भी शंका था, जिसके भी मन में इस तरह का प्रश्न था, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। पहले यह वीडियो में आया करता था, रेगुलर आया करता था और बहुत शौक से आया करता था, और आज भी इसका इच्छा है वीडियो में आने का, लेकिन हमने ही मना किया हुआ है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, वीडियो में आएगा तो फिर ध्यान जाएगा तुम्हारा वहाँ पर। यहाँ जो है खुद ही एक्सपीरियंस बताया करता था, जब भी हम वीडियो में आते थे तो हम व्यू चेक करने लगते थे कितना व्यू गया हुआ है। कुछ वीडियो यहाँ जो है अपने गिटार का डाला था, इंस्टाग्राम पर डाल दिए थे, व्यू चेक कर रहा था, पूछ रहा था भाभी कितना व्यू आया है उसमें, देखिए ना। हमके सुनो, चुपचाप जाके पढ़ाई करो, इन सब चीज में बाद में लगना, अभी तुम बस पढ़ाई करो। ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो बच जब माँ बाप स्वयं जिंदा है, और ऐसा मेरा परवरिश नहीं है कि ये समस्या आएगी। और जहाँ तक पढ़ाई, जहाँ तक एक साथ वीडियो बनाने की बात है, तो मेरा मोनू जो है बहुत मिलनसार, और सोनू का क्षेत्र अब अलग हो, हम चाहते हैं कि दोनों का अलग अलग रास्ता हो, अलग अलग प्रोफेशन हो, इसलिए हम सख्त हिदायत कहें कि तुम वीडियो बनाने को इंटरेस्ट नहीं लेगा। बिल्कुल जी, तो कुछ ऐसी बात है। और उसके बाद जब मोनू का कुछ एग्जाम निकल जाएगा, किसी जगह प्लेस्ड हो जाएगा, वो बनेगा वीडियो में, वह भी बनेगा वीडियो। जब भगवान इसको कोई जगह दे देंगे, तो दोनों भाई तो पहले भी साथ था, आज भी साथ है, भविष्य में भी साथ रहेगा। बिल्कुल, क्यों ब्लड अलग नहीं होता है, पानी में जब मारा जाता है लाठी, पानी को फुटाया नहीं जाता है, गोबर में मारा जाता है, तो दोनों दो भाग में हो जाता है। तो भाई जो है वह ब्लड है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। और आप लोग सभी लोग भाई हैं, सभी लोग जानते होंगे जितना आपको दर्द होगा अपने भाई को, वह दुनिया को दर्द नहीं। जी अब हम लोग खाने बैठते हैं, और जैसा कि आपको बताया जिया यूज करती है इटरनल का फेस वॉश और लाइटनिंग ऑयल, तो आप जो है तो उसका लिंक हम डाल देंगे।
बता देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं। बिल्कुल जी, आप इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।